Request you all to please put your mobile phones on airplane mode. A very good morning, respected Director sir, respected Chief Guest, our honourable guests, our esteemed members of faculty and staff, and my dear friends. It is my honour to welcome you all to the glorious celebration of our Institute Day and the inauguration of our annual technical festival for Urjotsav. Our Institute
मुझको लगता है कि आप सबको हिंदी समझने में कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा है तो आप बताइए, फिर नहीं तो फिर मैं इंग्लिश शुरू करूँगा। तो आज हम यहाँ एकत्रित हैं, हमने पहली बार मैंने सोचा कि एक शुभ डे होना चाहिए, संस्थान दिवस। ये संस्थान दिवस का मतलब ये है कि आज के दिन हमारी स्थापना हुई थी। ये इनको क्लियर करने के लिए मैंने इसको और भी नाम दिया है, ये उत्सव के लिए उत्साह है, तो बताता है कि ये उत्सव उत्साह का दिन है। तो आज के दिन हम अपने उपलब्धियों को का शोकेस करते हैं सबके सामने, आज पूरे आसपास के सभी स्कूल कॉलेज क्षेत्रीय नागरिकों के लिए हमारा इंस्टीट्यूट खुला हुआ है, वो हमारे रिसर्च स्कॉलर जितने हैं सबों ने पोस्टर या मॉडल से बताने की कोशिश की है कि हम लोग क्या काम करते हैं और हमारे लैब में क्या क्या होता है, सब कुछ आज के दिन खुला हुआ है। तो यही थीम है और उसके बाद हम लोग कुछ चर्चा भी करते हैं कि आगे हमें क्या करना है। तो बेसिक पर्पस हमारे आज के दिन का यही है। साथ ही साथ आज उर्जोत्सव भी है, ये 3 दिन का टेक्निकल फेस्टिवल है लड़कों के क्रिएटिविटी को प्रमोट करने के लिए। इसमें लड़के अपने साइंस एंड टेक्नोलॉजी काउंसिल के जरिए जो मॉडल बनाते हैं और या जो भी और एंटरप्रेन्योरशिप एक्टिविटी करते हैं उसका डिस्प्ले करते हैं। कुछ प्रतिस्पर्धा के लिए हम लोग इस बाहर के कॉलेजों को भी बुलाते हैं और इस साल से हमने इसमें एक स्कूल सेक्शन रखा है और ये बहुत अच्छी बात है कि लाभ बहुत बड़ी संख्या में स्कूल के छात्र यहाँ उपस्थित हैं। ये हमारा दायित्व भी है कि हम अपने स्कूल के छात्रों में साइंस और टेक्नोलॉजी के प्रति रुझान पैदा करें और मोटिवेट करें, क्योंकि यही हमारे आगे का भविष्य है। तो इस हिसाब से हम लोगों ने निमंत्रण दिया था और हम देख रहे हैं कि हमारे निमंत्रण को स्वीकार किया गया, उनके साथ वहाँ के स्कूल कॉलेज के प्रिंसिपल लोग भी हैं। तो मंच पे आसीन प्रोफेसर एसएन उपाध्याय जी, जो कि जैसा बताया गया कि पास्ट ये पीएचयू के डायरेक्टर रह चुके हैं, कुछ दिनों तक हमारे संस्थान से भी जुड़े हुए थे और सबसे बड़ी बात है कि हमारे गुरु जी भी हैं। तो जो भी मैंने सीखा है इन्हीं महानुभावों की वजह से सीखा है, जिसकी वजह से जब भी केमिकल इंजीनियरिंग के विद्वानों की गिनती होती है राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तरों पर, तो सर का नाम हमेशा उसमें होता है। तो हम आपका स्वागत करते हैं और आपके केवल यहाँ जन से ही उर्जोत्सव के दिन हमारे में ऊर्जा का संचार हुआ है। तो इससे आपका बहुत बहुत स्वागत, अपना समय निकाल के हमारे बीच आप उपस्थित हुए, इससे हमारा गौरव बढ़ा है और हम सम्मानित फील करते हैं। और निश्चय ही, क्योंकि मैंने कहा कि आज के दिन हम ये भी विचार करते हैं कि आगे क्या करना है, तो आपके विचारों से हमें इसको कहा जाता है इनरिचमेंट होगा और अपने अगले सालों की क्या करना है उसके बारे में अच्छी तरह से रूपरेखा बना पाएंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। और भी हमारे डीन आरएनडी साहब बैठे हुए हैं, इंस्टीट्यूट डे का संचालन करने का जिम्मा इन्हीं का है और इन्होंने काफ़ी मेहनत किया है और पूरे विस्तार में यही बताएंगे कि आज की क्या 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 कार्यक्रम है। हमारे यंग फैकल्टी विश्वास दी है, उन्होंने भी बहुत दिन रात मेहनत करके उर्जोत्सव को यहाँ तक पहुँचाया है और मुझे पूरा विश्वास है कि इनके नेतृत्व में उर्जोत्सव एक सफल कार्यक्रम होगा। हमारे सामने बैठे हुए हैं प्रमोद जोशी जी एंड सिंगल साहब, जो कि इंस्टीट्यूट से परिचित ही हैं। आप लोगों ने हमारा निमंत्रण स्वीकार किया और यहाँ आए, हम लोग बहुत बहुत आपके आभारी हैं। निश्चय ही आपके अनुभव से और हम लोगों को कुछ आगे के कार्यक्रम बनाने में सफलता मिलेगी। पूरे एक दिन में कभी न कभी तो आप लोग भी ऑडियंस से मुखातिब होंगे और फैकल्टी मेंबर स्टूडेंट्स, एक चीज़ मैं देख रहा हूँ अपने स्टूडेंट से ज़्यादा स्कूल के स्टूडेंट्स यहाँ उपस्थित हैं,
तो मैंने पूछा तो पता चला कि नहीं वो हॉस्टल में नहीं सोए हुए हैं, वॉलेंटियर्स जाना है उसमें, तो ठीक है वो भी जरूरी है। तो मैं स्कूल से आए हुए सारे छात्र छात्राओं का स्वागत करता हूँ और उनके साथ उनके प्रिंसिपल का भी स्वागत करता हूँ। अभी कुछ दिन पहले का वोकेशन हुआ था जिसमें मुख्य अतिथि ने कहा था कि आप एक थोड़ा पार्ट क्लासरूम में सीखते हैं, थोड़ा पार्ट अनुभव से सीखते हैं, थोड़ा पार्ट आपस साथी सहपाठियों से सीखते हैं। तो ये जो 3 दिन का उर्जोत्सव का फंक्शन है इसमें मुझे विश्वास है कि आप लोग इंजॉय करेंगे और कुछ सीखेंगे, लर्निंग विद इंजॉयमेंट। तो इन्हीं शब्दों के साथ फिर मैं आप लोग सभी का स्वागत करता हूँ और स्कूल के छात्रों से विशेष रूप से मैं बोलना चाहूँगा कि आपके खाने पीने और सब चीज़ का व्यवस्था इन्होंने किया है, उसको नहीं लगता कि कोई आपको दिक्कत आने वाली है। तो भी यदि दिक्कत आए तो सर वहाँ अवेलेबल है, भैया लोग भी हैं, आप उनसे बताइए, ये लोग पूरा ख्याल रखेंगे और आप यहाँ से जाएँ तो एक मेमोरी लेके जाएँ और एक इंजॉयमेंट के साथ कुछ सीख के जाएँ। तो इन्हीं शब्दों के साथ फिर आप सभी का धन्यवाद। Thank you, sir. I would now like to request Dean of Research and Development, Dr. M.S. Bala, to greet the captain of the institute. Professor Upadhyay, Former Director, IIT Meshu, Respected Director, RGIPT, Professor A.S. Kesana, Faculty colleagues, staff, students, very good morning all. Today we formally celebrate our first Institute Day, very first time. At this junction, I would like to thank our director for bringing this culture into the system. Thank you, sir. Like other premium institutions, RGIPT celebrate its Institute Day mainly to showcase the academic and research achievements of our students and faculty members. Besides, the Institute establishments are also open to all visitors. This Institute Day is even more special to all of us because the launching of Project Amethi. RGIPT is determined to serve the Amethi district to raise the living standards of local citizens by complementing the socio-economic level. Today our PhD, MTech, MBA, even BTech students, they are going to display their posters and models in our institute just to share their research findings with their fellow students, faculty, also with you also. I request all of you to visit the exhibition venue and encourage them. And as a part of our Institute Day, we are also going to witness the panel discussion on two of our initiatives under Project Amethi, namely Yarn Arthan and also Research, Innovation and Incubation in the second round. Sri Prasad Sharma, District Magistrate, Amethi, has kindly agreed to chair and moderate both the panel discussions. We strongly believe that we will get more valuable inputs on our Project Amethi initiatives from the district magistrate, prominent citizens, and also from external experts through this panel discussion. I also take this opportunity to brief all of you about some of the recent R&D accomplishments that happened at RGIPT. RGIPT has signed 6 MOUs with various IITs and also CSIR laboratories. And we also signed an MOU with IOCL for training their employees. And we also established a separate place for central business facility. And we have started installing various equipment into that, namely NMR, XPS, TGA, high pressure reactor, high pressure absorption system, and so on and so forth. Director and faculty members have been extensively visiting industries for research and academic collaboration and hope to sign a few more MOUs in the coming months. And finally, we also started a new design and incubation center under which our BTech and MTech students can do their research work
of course, under the guidance of few faculty members. With this short note, I just say thank you so much. Around 20 kilometers, 30 kilometers onwards there.
and they are also been allowed to participate in moderating competitions there. There should be exciting prize for them also. In addition, we are also trying to show them how the models can be made there. There should be also planetarium, 3D, some sort of 3D visualization should also be there. As well as the conventional quiz, ice quiz also there. And many, many more events are planned in the afternoon session there. So for all of these, from SNT also there, I welcome all of them for the Urjotsav 2019 here. Thank you. Swas, Dr. Bala, Dr. Mishra, and many of my former colleagues of this institute sitting before me. Some names I remember, some names I don't remember, but face I remember. There are new also, new faculty also. I take this opportunity to congratulate Dr. Sinha and all of you for initiating this valuable function of organizing Institute Day. The purpose of Institute Day, Dr. Sinha has already stated. Institute Day is celebrated not to commemorate the day or date on which the Institute was established and initiated, but to take a stock of what happened during last year, who achieved, who didn't achieve, and to appreciate those who achieved and to encourage those who could not achieve, and in plan for the future, what should be done in the coming year, coming years, to encourage those who could not perform and to take the issue in the departments and others to greater and greater heights. So this is the purpose of organizing Institute Day. Along with this, I have also initiated a process of organizing Urjotsav. In fact, in the beginning, after reading the letter which I received from Dr. Sinha, that it will be a technical session related to energy. Later on, I could gather that it is a function similar to techniques, which are MODECs, are engineering and model exhibition, which my institute has been making since decades, with good students and students from other parts, other engineering colleges come, participate, present their ideas in the form of model. This is also a good practice which the institute has initiated, and I can thank all of you for taking this initiative. Dr. Sinha stated that he is my student, but I learned more from Dr. Sinha than what I could have delivered to him as a teacher. इसमें मान्यता ले कि जब बेटे का पांव बाप के जूते में आ जाता है तो बेटा दोस्त हो जाता है pleased to learn that Dr. Sinha is the president of Amethi Hindi Prachar Samiti.
could never imagine that such an organization is existing in Varanasi. Nagari Prachar Samiti head office is there. But those who are connected with us never thought of, connected with that organization, never thought of inviting any person from engineering college or techno or minmat or IT or IIT to their functions. We never received any invitation from them what to talk of becoming an office bearer. It's all controlled only by people who write literature, the poem or novel or some essays, etc. in Hindi. Nothing to do with engineering and technology. And that is one of the reasons that we have not been able to bring technology and science to common people because of the barrier of the language which they have created and also we also have created. So this is a good initiative where Sina stated in the beginning that he will be delivering his inaugural, his welcome address in Hindi. It's good because Hindi, our own mother language, permits us to join, come together, connect our hearts, which English, which is not possible through English. We have come here, I have come here to connect with you. You have invited me to connect with you. Therefore, the better medium will be Hindi rather than English. Okay. क्या कहा हम आपकी समझे तो क्या समझे मजा कहने का तब में जब एक का या दूसरा समझे understand that much of Hindi but trying to speak mixed Hindi English and Hindi mixed together English as we call it so that it becomes more palatable and more easily digestible. अंग्रेजी विवाद पैदा करती है. अंग्रेजी ने क्या बनाया तो हिंदुस्तान बनाया, पाकिस्तान बनाया, बांग्लादेश बनाया. लेकिन हमारी मातृभाषा है जिसमें बहुत सारे शब्द आपस में जुड़े हुए हैं, एक भाषा से दूसरी भाषा में है. देश को जोड़ने का काम करती है, समाज को जोड़ने का काम करती है. एक उदाहरण देना चाहूंगा आगे बढ़ने से पहले. ब्रदर इल्ला, अंग्रेजी में ब्रदर इल्ला, हिंदी में जीजा भी हो सकता है, साला भी हो सकता है. जीजा साला से तो स्पष्ट है कि कौन क्या है. लेकिन अंग्रेजी में अगर बोलेंगे ब्रदर इल्ला तो आगे लगाना पड़ेगा लूजर एंड ब्रदर इल्ला गेनर. तो ये क्या वो तो साला हो गया, ये क्या हो गया. तो हमारी भारतीय भाषाओं में नहीं है, हम अच्छी तरह से आपस में जुड़ सकते हैं. और इसीलिए हमारे हिंदी सिनेमा के गीत जो हिंदी नहीं जानते वो भी बखूबी गा सकते हैं, बल्कि हिंदी जानने वालों से बेहतर तरीके से गा सकते हैं. इसलिए हम लोगों को हिंदी में चिंतन करना चाहिए, बातचीत करनी चाहिए. एक उदाहरण और दूंगा. मान लीजिए सावन का महीना पवन करे शोर, घेरा रे चुमे जैसे बनवाना नाचे मोर. अब इसका संदर्भ अगर आपको हिंदी के माध्यम से परिप्रेक्ष्य नहीं पता है तो अंग्रेजी के माध्यम से तो आप समझ नहीं सकते कि सावन के महीने में मोर कहाँ नाचता है और क्यों मन झूमने लगता है. ये संस्कृति और संस्कार से जब आप परिचित होंगे अपने देश के, अपने प्रांत के, तभी आप उसको समझ पाएंगे, उसको अच्छी तरह से आत्मसात कर पाएंगे. ऐसे बहुत से उदाहरण हो सकते हैं. इतने लोग शादीशुदा हैं यहाँ, बच्चों को छोड़ के सामने जब पत्नी से तकरार होती है तो वो तुम भी सी बात होती है तो तुम भी ना. ये तुम भी ना तीन शब्द जो हैं अंग्रेजी में अनुवाद करके आप जरा बात करिए तो देखिए कैसा मजा आता है. तो ये कुछ कमजोरियां हैं अंग्रेजी भाषा की. दूसरी उसका महत्व इसलिए भी है हिंदी में बातचीत करने का कि हम जो शोध करते हैं, जो रिसर्च करते हैं वो अंग्रेजी में करते हैं, उसको पब्लिश करते हैं अंग्रेजी जर्नल में. लेकिन आईटीआई सर्टिफिकेट होल्डर, डिप्लोमा होल्डर जो हमारे विचार को, हमारी बात को, हमारी जो सोच है उसको किसी उपकरण के रूप में, किसी इक्विपमेंट के रूप में, किसी औजार के रूप में शक्ल देते हैं, वो उतनी अंग्रेजी नहीं जानते. तो उनसे बातचीत करने के लिए हमको उनके स्तर पर जाकर हिंदी में बात करेंगे, तमिल में बात करेंगे, तेलुगु में बात करेंगे, उड़िया में बात करेंगे, तभी हमको हम उनको ज़्यादा अच्छी तरह समझा पाएंगे कि हम क्या सोच रहे हैं. और वो अपना योगदान भी कर सकता है कि नहीं साहब आपने ये
ऐसा होगा तो ज्यादा अच्छा होगा. तो उनका क्योंकि हमारे में उनके बीच भाषा की जो दीवार है तो हम उनसे बात नहीं कर पाते, उनका इनपुट हमको मिल नहीं पाता है, उनसे हम कुछ जान नहीं पाते. तो इसलिए ये जरूरी है कि हम कुछ हिंदी भी जाने, कुछ उनको अंग्रेजी में बताने का प्रयास करें या अंग्रेजी हिंदी मिश्रित भाषा में बताने का प्रयास करें, ताकि उनका जो अनुभव है उसके आधार पर जो टेक्नोलॉजी हमको विकसित करनी है, जो हमने शोध के माध्यम से प्रयोगशाला में निकाली है, उसमें उनका योगदान हो सके और हम कुछ नया कर सकें. ये समस्या दूसरे देशों में नहीं है. जापान में सभी जापानी बोलते हैं, कोरिया में सभी कोरियाई भाषा बोलते हैं, चीन में सभी चीनी बोलते हैं, यूरोप में सभी अपने अपने देश की भाषाएं पूरे यूरोपियन यूनियन के बोलते हैं, इंग्लैंड में अंग्रेजी बोलते हैं, अमेरिका में अंग्रेजी बोलते हैं, कनाडा में अंग्रेजी बोलते हैं. तो पेटेंट कल्चर जिसका ढंडेरा यहाँ कहा जाता है, बहुत पीछे हैं हम. उस पीछे होने का कारण ये भी है कि हमारी सोच अंग्रेजी की है, रिसर्च अंग्रेजी की है, और जो टेक्नीशियन है जो हमारे पेटेंट में कुछ योगदान कर सकते हैं, कुछ उसको मूर्त रूप दे सकते हैं, हम उनसे संवाद नहीं कर पाते, क्योंकि हम अंग्रेजी में ही सोचते हैं, अंग्रेजी में ही उनको भी बताने की कोशिश करते हैं. तो हमारी जो अमूर्त सोच है इक्वेशन के रूप में या किसी फार्मूले के रूप में या किसी अन्य चीज़ के सोच के रूप में, वो विषय तक ही रह जाती है, धरातल पर नहीं उतर पाती है. इसलिए आवश्यक है कि हम लोग हिंदी में भी कुछ सोचने की कोशिश करें, कुछ तमिल में सोचने की कोशिश करें जो तमिल जानते हैं, तेलुगु जानते हैं, और हम उस भाषा को जानने वाले जो टेक्नीशियन है उनसे उनके स्तर पर जाकर बात करने के लिए सोचेंगे. तो पेटेंट कल्चर भी हमारे यहाँ तेजी से बढ़ेगा और जो हमारी शोध की नई नई खोज है वो हम आगे तक बढ़ा ले जाएंगे और हमारा पेटेंट भी पेटेंट कल्चर में आगे बढ़ जाएगा. पहला आपने सुना सरस्वती वंदना. सरस्वती को ही देवी विद्या का देवी के रूप में क्यों चुना गया? हमारे विश्वविद्यालय का भी पूरा चिन्ह है, आपके यहाँ भी उसी गीत से उसी श्लोक से आह्वान किया गया देवी का. सरस्वती का वस्त्र धवल है, वो उनके सामने हंस जल में तैरता रहता है, उनके हाथ में वीणा होती है और पूरी आकृति को ओम के अंदर बंद किया रहता है, किया गया रहता है. ये प्रतीक चिन्ह सरस्वती के रूप में हमारे विश्वविद्यालय का अन्य विद्यालयों में भी होगा. थोड़े बहुत नीचे जो मोटो लिखा रहता है उसको छोड़कर शुभ्र वस्त्र मतलब जो विद्या के उपासक हैं, विद्या को देने वाले हैं, अध्यापक विद्यार्थी धवल चरित्र के होने चाहिए. और जैसे हंस दूध और पानी को अलग कर सकता है, क्षीर नीर विवेक, वैसे अध्यापक और विद्यार्थी को या जो विद्या का उपासक है उसको क्या गलत है क्या सही है उसमें उसको उसमें विभेद करने की, उसको अलग अलग करने की योग्यता होनी चाहिए. तीसरा सीख हमको ये मिलती है कि जैसे वीणा का तार छेड़कर सरस्वती राग रागिनियों का उत्पादन करती है, सृजन करती है, वैसे ही विद्या के उपासक विद्या का अपने ज्ञान की खोज से, अपने अध्ययन से नए ज्ञान का सृजन करेंगे और ओम का परिचय जो तक ये है कि पूरे विश्व में या पूरे ब्रह्मांड में उस ज्ञान की, जैसे राग रागिनियों का गुंजन पूरे विश्व में व्यापित हो सकता है वीणा के तारों को छेड़ने से, वैसे पूरा जो ज्ञान अर्जित किया जाएगा विद्यालय में, महाविद्यालय में, विश्वविद्यालय में विद्या के उपासकों द्वारा, उसका विश्व में प्रचार प्रसार हो, जन कल्याण के लिए उसका उपयोग हो, ये प्रतीक चिन्ह का वास्तविक महत्व है. और इसीलिए अधिकांश विद्यालयों में, महाविद्यालयों में, विश्वविद्यालयों में सरस्वती को विद्या की देवी के रूप में पूजा जाता है, उनका आह्वान शुरू हो गया है. अभी स्किल डेवलपमेंट पर चर्चा कर रही भारत सरकार, उसके लिए विभाग भी खोले गए हैं, लेकिन हम अपनी पुरानी जो पढ़ाई की प्रक्रिया है, विद्या के बारे में जो चिंतन है, उस पर अगर थोड़ा ध्यान दें तो हमें पता लगेगा कि पहले भी स्किल डेवलपमेंट पर चिंता थी, चर्चा थी, दूसरे रूप में थी, संस्कृत के श्लोकों के रूप में थी, नीत सत्वों के रूप में थी, साहित्य संगीत कला जीवन मनुष्य साक्षात पशु पक्ष में था. जब आबादी थोड़ी कम थी, इत्यादि उसका विकास नहीं हुआ था, तो हमारे पूर्वज ये कहते थे कि साहित्य संगीत और कला, कला को स्किल का ही दूसरे रूप में आप ले लीजिए. उस समय केवल संगीत, मल्ल कला, युद्ध कला, इसी का नाम लिया जाता था, इसी पर ज़्यादा चर्चा होती थी. तो उस समय भी ये सोचते कि कोई ना कोई कला विद्या साहित्य और संगीत के अलावा भी आनी चाहिए मनुष्य को, ताकि उसे शिक्षित कहा जा सके, उसे ज्ञानवान कहा जा सके.
थोड़ा और जब विकास हुआ तो ये परिभाषा थोड़ी बदल गई. येषां विद्या न तपोन ज्ञानम ज्ञानं न तपोन दानं ज्ञानं न शीलं न गुणान धर्म ते मट्ट लोके भूरि भार भूता मनुष्य रूपेण प्रकाशयन्ति. जिसमें विद्या नहीं है, जिसमें ज्ञान नहीं है, जिसमें ज्ञान ज्ञान दान देने की इच्छा नहीं है, जो शीलवान नहीं है, जिसमें कोई गुण नहीं है, जिसमें कर्तव्य परायणता नहीं है, वो मनुष्य नहीं है, बिना पूंछ और सींग का पशु के समान है. तो इस परिभाषा जो साहित्य संगीत और कला के ऊपर आधारित इसमें थोड़ा परिवर्तन हुआ. इसमें स्किल के जो नए आयाम अभी चिंता चिंता की जा रही है वो भी उसमें सम्मिलित करिए. ये विद्या के बारे में हमारी पुरानी चिंतकों की सोच है और भारत सरकार आज के संदर्भ में उस पर ही काम करने का प्रयास कर रही है. टीचिंग, टीचर, ट्रेनर, कोचिंग, उसके साथ कोच, बहुत सारे शब्द हैं, लेकिन जो अध्यापक शब्द है ज्यादा व्यापक है इन सभी शब्दों में से, और उसका आयाम ज्यादा व्यापी है, ज्यादा बहुआयामी है. इसलिए शिक्षक या अध्यापक की गरिमा ज्यादा है समाज में, कोच की उतनी नहीं है, ट्रेनर की उतनी नहीं है, क्योंकि वे एक विषय विशेष को, एक कला विशेष को सिखाता है, पर अध्यापक बहुत सारी बातों को विद्यार्थी के मन में रखने की कोशिश करता है. इसलिए अध्यापक और अध्यापन का पेशा और अध्यापक का व्यक्तित्व ज्यादा महत्वपूर्ण है. हमें उसके उस पर खड़ा होकर उतरने की कोशिश करनी चाहिए, ताकि जो विद्यार्थी हैं, जो उनके परिवार हैं, जो समाज है, हमें हम उनको कुछ दे सकें और वो हमें आदर पूर्वक देख सकें. ये हमारी सोच होनी चाहिए. लेकिन कुछ विकृतियाँ आ गई हैं, विसंगतियाँ, विकृति तो नहीं कहूँगा, विसंगतियाँ आ गई हैं. बहुत से लोग सभी तो नहीं, लेकिन कुछ लोग ये सोचते हैं कि जब प्रगति कर लिया, डिग्री लेकर नौकरी मिल गई, असिस्टेंट प्रोफेसर बन गए, एसोसिएट प्रोफेसर बन गए, प्रोफेसर बन जाएंगे, थोड़े दिनों बाद उसके प्रमोशन के हिसाब से भी प्रोफेसर बन जाएंगे, तो लिखने पढ़ने की और रिसर्च की क्या जरूरत है. तो कुछ कहते भी हैं दूसरे को भी, नीचे वालों को भी, अरे भाई अब क्या करोगे, रिसर्च करके अब तो प्रोफेसर बन गए. लेकिन ये सोच गलत है. डिग्री का प्राप्त करके संस्थान से बाहर निकल जाना पढ़ाई का अंत नहीं होना चाहिए, बल्कि वो पढ़ाई की शुरुआत होनी चाहिए. उसके बाद ही आपको पढ़ने का ज्यादा ललक होनी चाहिए, ज्यादा इच्छा होनी चाहिए. और इसको संतुष्ट करने के लिए, इसको सिद्ध करने के लिए मैं चर्चिल का एक उदाहरण उपस्थित करना चाहूँगा. जब अमेरिका की सेनाएं जर्मन की सेनाओं पर विजय प्राप्त करने के बाद फ्रांस की धरती पर उतर गए, टीके जिसको बोलते हैं अंग्रेजी में, तो सेना सैनिक लोग बड़े खुश हुए. उन्होंने आमोद प्रमोद और आनंद मनाना शुरू कर दिया. तो चर्चिल ने कहा, जेंटलमैन, दिस इज नॉट द एंड ऑफ द वार. This is not even the beginning of the beginning of the end. This is just the end of the beginning. तो पढ़ाई करके डिग्री लेकर कॉलेज से निकल जाना पढ़ाई का अंत नहीं होना चाहिए. वो तो केवल अंत का, शुरुआत का अंत है, प्रारंभ तो उसके बाद ही होता है विद्यार्थी करने का. इसलिए जो अध्यापक अध्यापक के पेशे में आना चाहते हैं उनको सतत अध्ययन, सतत स्टूडेंट स्टडी करनी चाहिए, कंटिन्यूइंग एजुकेशन प्रोग्राम में हिस्सा लेना चाहिए, ताकि वो नया नया ज्ञान अर्जित कर सके, नए ज्ञान का सृजन कर सके और उस ज्ञान को विद्यार्थियों में बांट सके. उसके बाद आधार पर समाज में कुछ अच्छा करने की कोशिश कर सके, समाज की विसंगतियों को सुधार सके. दूसरा गुण अध्यापक का ये होना चाहिए कि वो उसको किसी बात का भय नहीं होना चाहिए. सचिव भय गुरु तीन जो प्रिय बोल रही भयास राग धर्म तन तीन कर हो ही देख रहेगा. अगर सेक्रेटरी, फिजिशियन और गुरु या टीचर किसी लालच या भय की आशंका से सही सलाह नहीं देगा तो राज्य का भी विनाश होगा, धर्म का भी विनाश होगा और शरीर का भी विनाश होगा. अगर गलत सलाह दे दिया डॉक्टर ने तो शरीर जाएगा, गलत सलाह गुरु ने दे दिया तो कर्तव्य के प्रति जो जागरूकता होनी चाहिए वो चली जाएगी. अगर सेक्रेटरी ने गलत सलाह दिया तो राज्य का विध्वंस हो जाएगा. इसलिए अध्यापक को निर्भीकता पूर्वक सही सलाह जो नीति नियामक उनको देनी चाहिए और उन पर अमल करना चाहिए. दूसरा, अध्ययन करना क्यों जरूरी है, उसके लिए हमारा जो पेशा है वो अध्यापनम 5 महायज्ञों में से एक महायज्ञ है. अध्यापनम ब्रह्मयज्ञ पितृयज्ञ तर्पणम होमो देव बलि भूतो अध्यापनम ब्रह्मयज्ञ
होमो देव हवन करना, देवताओं का यज्ञ है, बलि देना जो एविल स्पिरिट्स हैं उनके प्रति यज्ञ है, पिंड देना मुर्गियों का प्रति यज्ञ है, और भोजन देना अतिथि का सत्कार करना मानव यज्ञ है। तो जो चार यज्ञ जिनका नाम अभी मैंने लिया है उसमें कोई हम बासी चीज नहीं दे सकते हैं, देने की देते हैं। तो अध्यापन का जो महायज्ञ जिसमें हम विद्यार्थियों को ज्ञान देने की कोशिश करते हैं उनको हम बासी ज्ञान क्यों, चार साल पहले बनाया हुआ नोट या दस साल पहले बनाया हुआ नोट से हम उनको उपयोग पढ़ाएं, हमको नया नोट बनाने की आवश्यकता है ताकि हम उनको नया ज्ञान दे सकें, नई जानकारी दे सकें और उसके आधार पर उनको कुछ नया करने के लिए काम करने के लिए हम देख कर सकें। और अंतिम जो अध्यापक होना चाहिए बिना किसी भेदभाव के, लड़का है लड़की है गोरा है काला है किस जाति का है इसकी परवाह किए बिना उसमें कौन सी प्रतिभा है उसकी ओर उसको प्रेरित करने का प्रयास करना चाहिए। आमंत्रम अक्षरम नास्ति नास्ति मूलम अनौषधि अयोग्य पुरुषो नास्ति योजिता स्थगितम्। ऐसा कोई मंत्र अक्षर नहीं जिसमें मंत्र की शक्ति नहीं है, ऐसा कोई पौधा नहीं जिसमें कोई औषधि गुण नहीं है, और ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसमें कोई प्रतिभा नहीं है। कभी ऐसे व्यक्ति के जो उस प्रतिभा को पहचान सके, उस औषधीय गुण को पहचान सके और अक्षर के उस मंत्र शक्ति को पहचान सके। तो अध्यापक होने के नाते हमारे दायित्व बनता है कि बिना किसी भेदभाव के हमारे जो विद्यार्थी हैं उनमें कौन सी प्रतिभा है, खेलने की ओर ज्यादा प्रतिभा है, एक्सपेरिमेंटल प्रोजेक्ट करने की ज्यादा उसमें उत्सुकता है, थ्योरेटिकल कैलकुलेशन करने की ज्यादा उत्सुकता है, उसकी ओर उनको हम प्रेरित करने का प्रयास करें, एक्सप्रेस करने का प्रयास करें, ये हमारा दायित्व होना चाहिए और इसके लिए हमें उनको प्रेरित करना चाहिए। आईआईटी में एडमिशन नहीं पाए होंगे या फैकल्टी भी यही नौकरी मिली आईआईटी में नहीं मिला, एनआईटी में नहीं मिला, चेन्नई में नहीं मिला, वो सोचते होंगे कि कहाँ आ गए कमेटी के छोटे से गांव में। लेकिन ऐसे लोगों के लिए मेरे पास कुछ संदेश है, ये थोड़ा निराशा वाली सोच वाले लोगों का की सोच होती है, ये तो बड़ी खराब लगेगा, कुछ हो ही नहीं सकता, नफरत हुई है उन्हें सारे जहाँ से आके हम नई दुनिया लाए तो लाए। जब आपने अमेठी में एडमिशन लिया, अमेठी के इस कॉलेज में एडमिशन लिया तो नया कॉलेज तो आपको मिलने से रहा, जब तक यहाँ पहुँच नहीं चले जाए या डिग्री टेक करने चले जाए तो जो मिल गया है उसको ही अच्छा करने का प्रयास करें। अंधकार से क्यों घबराए, नन्हा सा एक दीप जलाए। अगर बिजली चली गई तो मोमबत्ती की लौ से ही कपड़े में रोशनी हो सकती है, उसी तरह का प्रयास हमें करना चाहिए। कुछ साधन यहाँ कम हो सकते हैं, संसाधन कम हो सकते हैं, अगर राम का दर्शन करना है तो राम की मूर्ति सोने की हो या राम की मूर्ति पत्थर की हो या मिट्टी की हो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मंदिर संगमरमर का हो या सोने का है तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। दर्शन करने की इच्छा प्रबल इच्छा होनी चाहिए और वो लक्ष्य होना चाहिए, इसीलिए तुलसीदास कह रहे हैं राम नाम की अंक है सब साधन है सुन, अंक हटे सब सुन है अंक लगे दसून। एक और जीरो में से अगर एक को हटा दिया तो जीरो को कोई मतलब नहीं है। तो दर्शन करना राम की है तो चाहे वो पेड़ के नीचे कर लीजिए, मिट्टी की मूर्ति बनाकर या संगमरमर के मंदिर में रखकर सोने की मूर्ति बनाकर कर लीजिए, उसमें कोई अंतर नहीं है, केवल आपको ज्यादा संसाधन इकट्ठे करने पड़ेंगे, ज्यादा कष्ट करना पड़ेगा। इसलिए कम संसाधन में भी अगर आपके पास आइडिया है तो ज्यादा अच्छा सोच कर सकते हैं, ज्यादा अच्छी चीजें निकाल सकते हैं अपनी सोच से अपनी आवश्यकता को देखते हुए। तो दो तरह के रिसर्च पर आपका ध्यान होना चाहिए, एक तो आइडिया बेस्ड रिसर्च, कौन सी आइडिया शोध के लायक है, उससे क्या कल्याण होगा या क्या कल्याणकारी चीजें निकलेगी, इसको थोड़ा ज्यादा सोचने की जरूरत है, काम करने की जरूरत है। और इस पर इसके कि हमारे पास डीएम भी हो या सीएम भी हो, सभी तरह के बड़े इक्विपमेंट हो जिसको इसका डिजी का 2 करोड़ किसी का 3 करोड़ मूल्य है, उसको रख रखाव उसका मुश्किल है, उसमें समय भी लगेगा, उतना पैसा रहता है उसको जुटाने में, तो आवश्यकता है आज की, लेकिन धीरे धीरे उसको जुटाने की प्रयास करिए। और अभी की जो परिस्थिति है यहाँ की आने के लोगों की पैसे की कमी है सरकार के पास, अन्य संस्थाओं के पास भी, तो महंगे उपकरण मिलने मुश्किल है और महंगे उपकरण मिलने के बाद उनको चालू हालत में रखना मुश्किल है, क्योंकि मेंटेनेंस उसका स्पेयर पार्ट्स वगैरह वगैरह सर्विस कॉन्ट्रैक्ट वगैरह भी पैसा मिलता नहीं है। तो आइडिया बेस्ड रिसर्च ज्यादा लाभदायक है, कम खर्चीली है, उस पर भी आपको
करने का प्रयास करना चाहिए, कुछ ऐसी करूंगा जो रिसर्च उपयोगी हो सकती है, लेकिन आइडिया बेस्ड रिसर्च को प्रोत्साहन ज्यादा देना चाहिए बनिस्पत इंस्ट्रूमेंट बेस्ड रिसर्च के जो ज्यादा तरजीही है और छोटी छोटी जगहों में छोटी छोटी संस्थाओं में उतना उपकरण जुटाना उतना संसाधन जुटाना बड़ा जल्दी संभव नहीं है। मैं उदाहरण देना चाहूँगा, जब मैंने रिसर्च शुरू किया था तो मेरे सुपरवाइजर ने मुझे कहा था टीवी के रिलेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन मिक्सचर्स, क्योंकि वो थर्मोडायनामिक में थे और बाद के जमाने में हाइड्रोकार्बन मिक्सचर पर ही शोध होती थी, उस समय पेट्रोलियम इंडस्ट्री को उपयोग करके गैसोलीन बनाने के लिए और दूसरे उत्पाद बनाने के लिए। उन्होंने मुझे कहा कि जून थॉमसन एक्सपेंशन मेथड से टीवी जनरेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन गैसेज तुम्हारा टॉपिक रहेगा, इस पर शुरू करो रिसर्च। रिसर्च जर्नल्स का अध्ययन करने के बाद केमिकल आपके क्या काम हो चुका है उसको देखने के बाद मैंने डिजाइन किया जो स्टेनलेस स्टील का बनना और उसका आर्डर दिया गया बम्बई की किसी कंपनी को, मुझे नाम याद नहीं उस समय 1965 में, और तब तक भारत सरकार ने स्टील पर 150% ड्यूटी बढ़ा दी। उस कंपनी ने कहा कि सर मैं तो अब इतने पैसे में नहीं लूंगा, फिर से कोटेशन मंगाई और फिर से आर्डर दीजिए तभी मैं ये अपेटस आपको बना के दे पाऊंगा। और इसी बीच एक साथ बीत गया था, मेरे साथ जो कमरे में जिनके साथ में बैठता था वो हीट ट्रांसफर इंप्लॉय जो कंपनी के लोग हैं उसको जानते हैं, वो उसमें काम करते थे, तो मैं उनकी मदद करता रहता था उस स्कूल और उनका उनके थोड़ा लिटरेचर सेक्टर में भी मदद करता था। और उस समय मैंने देखा कि मास ट्रांसफरिंग प्रोडक्ट पर्टिकुलरली लिक्विड सारी सिस्टम में ज़्यादा काम नहीं हुआ है, एक दो ही काम उस समय हुआ था। तो मैंने उनसे कहा कि सर ये जो काम का रिएक्टर बनाने में कई साल लगेंगे लगता है, तो हम उसको आप परमिट करिए तो मास ट्रांसफर वाला जो काफ़ी मुझे अच्छा लग रहा है उसी पर मैं शुरू कर दूँ, काफ़ी बदल दीजिए मेरा, वो मान गए इसके लिए। और जो मैंने रिसर्च किया मास ट्रांसफर इन सारे लिक्विड सिस्टम इन्वॉल्विंग सिंगल पार्टिकल फिक्स्ड बेड्स एंड अरेंजमेंट्स, वो उसका पूरे उपकरण की लागत मुश्किल से 10,000 रुपये, एक रोटामीटर, एक टुल्लू पम्प, एक स्टेनलेस स्टील का पानी रखने वाला कंटेनर और एक ग्लास कॉलम जिसमें वो बेड बनाता था, इतना सारा उपकरण 10,000 रुपये से भी कम में उसमें मिल गया था। क्योंकि तो ग्लास कॉलम और पार्टिकल बनाने के अलावा बाकी सब हमारे डिपार्टमेंट में ही उपलब्ध हो गए थे। और उससे जो शोध पत्र प्रकाशित हुए उसका साइटेशन तो अभी इंस्ट्रूमेंट के बेस्ड रिसर्च पर हमारे यहाँ से निकल रहे हैं या हमारे खुद के भी निकले हैं, जिसमें गैस क्रोमेटोग्राफ का, SEM का, TEM का यूज़ हुआ है या TTDG का इस्तेमाल हुआ है, साइटेशन नंबर उसका सबसे बहुत ज़्यादा 300 के ऊपर पहुंच गया, जिसमें उपकरण ये 10,000 रुपये का उपकरण लगा था और टेक्सटबुक्स में उसका उदाहरण है। तो ये आइडिया बेस्ड रिसर्च का ये महत्व है, ये उसका उससे हमको मेरे को संतोष भी हुआ, हमारे साथ जिन लोगों ने काम किया उनको भी संतोष हुआ। दूसरी चीज विद्यार्थियों के लिए एक्सपेरिमेंटल का ये प्रदर्शनी आप लगाएंगे या अन्य आयोजन यहाँ किए जाएंगे, उसमें कुछ को सफलता मिलेगी, कुछ को सफलता नहीं मिलेगी। जिनको सफलता मिलेगी उनको तो इनाम मिलेगा, खुश होंगे, जिनको नहीं सफलता मिलेगी वो थोड़े नाखुश होंगे, लेकिन जिनको सफलता मिल रही है उनको ये सोचना चाहिए कि असफल होने वाला नहीं होता तो उनको सफलता मिलती कैसे। तो असफल होना भी आवश्यक है पर सफल होना भी आवश्यक है। Persistence, perseverance and hard work. तीन काम आप जब करेंगे इसमें जब सफल होंगे तभी आपको सफलता मिलेगी और आप नाम के हकदार होंगे। अगर इस बार नहीं तो अगला जो उत्सव होगा अगले वर्ष उसमें आपको सफलता मिलेगी। और इसकी ओर आपका ध्यान आकर्षित करने के लिए एक छोटी कविता है जो सोहन लाल जी ने दी, आजमगढ़ के रहने वाले थे, कुछ लोग कहते हैं इसको अमिताभ बच्चन लिखी है लेकिन उनका उसके लेखक सोहन लाल द्विवेदी हैं जो आजमगढ़ जिले के रहने वाले थे और कविता का शीर्षक है जो मैं उम्मीद कर देना चाहूँगा आप लोगों के लिए सुना देना चाहूँगा। लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती।
डरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर सवार होती है, मन का विश्वास रगों में साहस भरता है, चढ़कर गिरना गिरकर चढ़ना ना करता है, आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। दुबकिया से तुम्हें गोताखोर लगाता है, जा जाकर खाली हाथ लौट कर आता है, मिलते नहीं सहजी मोती गहरे पानी में, बढ़ता दुगना उत्साह इसी है, मोती उसकी खाली हर बार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। असफलता एक चुनौती है, स्वीकार करो या कभी रहने देखो और सुधार करो। जब तक न सफल होने चैन की जागो तुम, संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो तुम, कुछ किए बिना ही कहते काम नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। जो आपको कोशिश करने के लिए प्रेरित करेंगे, अब्राहम लिंकन का जीवन चरित्र देखिए, कितनी बार इलेक्शन हारने के बाद अंत में वो अमेरिका के राष्ट्रपति बने। ब्रिटिश चैनल पार करने वाली महिला जिसने पुरुषों को भी मान दिया और कम समय में पार किए, कितनी बार असफल हुई, उसके बाद ही अंत में वो सफल हो पाई उस चैनल को पार करने में। और ऐसे बहुत सारे उदाहरण आपको मिलेंगे जिसमें अनवरत प्रयास से, निरंतर प्रयास से सफलता हासिल हुई है। पर आप देखिए, और थोड़ा थोड़ा नया करने के लिए थिंक आउट द बॉक्स, किताबों से अलग हटकर कुछ नया सोचने की कोशिश करिए और उस पर आगे कई पैटर्न होंगे। लेकिन मैं एक प्रश्न पूछना चाहूँगा, विद्यार्थियों से उसका जवाब भी चाहूँगा। कैंपस रिक्रूटमेंट होगा, उसमें टेक्निकल प्रेशर के साथ आप एच आर वाले भी आते हैं, और एच आर वाले लोगों का कोई टेक्निकल प्रेशर से कोई मतलब नहीं होता है, वो जानना चाहते हैं कि व्यक्ति संतुलित व्यक्तित्व का है कि नहीं है, त्वरित बुद्धि का है कि नहीं है, उससे कुछ जवाब चाहते हैं। एक प्रश्न है, पांच छह प्रश्न ऐसे हैं, बहुत सारे और भी आप ढूंढ सकते हैं। अभ्यर्थी साक्षात्कार के लिए गया, उससे जो चेयरमैन था उसने पूछा कि चॉइस इज योर्स, शुड आई आस्क 10 सिंपल क्वेश्चंस और 1 डिफिकल्ट क्वेश्चन। तो उसने कुछ सोच के कहा कि पता नहीं 10 सिंपल क्वेश्चन में मैं कितने को मैं फेल हो जाऊंगा, कितने में पास होऊंगा, इसलिए बेहतर है कि एक ही बार गर्दन को मुश्किल में डालो। बता दिया सही तो ठीक, नहीं बता दिया तो फेल तो ऐसे ही हो जाता, 10 क्वेश्चन में से सब तो बता नहीं पाता। तो उसने कहा, सर यू कैन आस्क ओनली 1 डिफिकल्ट क्वेश्चन। उसने पूछा, व्हाट कम्स फर्स्ट, डे और नाइट, व्हाट कम्स फर्स्ट, डे और नाइट, दिन पहले आए कि रात पहले आए? रात पहले आई। तो उसने पूछ दिया आप चेयरमैन ने कि हाउ, बच्चे ने छूटते जवाब दिया कि सर यू कैन नॉट आस्क सेकंड डिफिकल्ट क्वेश्चन बिकॉज़ यू प्रॉमिस्ड नॉट टू आस्क। परिवर्तन भी होगा।
तो ये उर्जोत्सव है ठीक से थोड़ा हटकर करने का प्रयास है जो इंस्टीट्यूट डे जिसका पहली बार इस संस्थान में सिन्हा जी ने किया है उनके सहयोगियों ने किया है वो इसी तरह के प्रयास का द्योतक है कोई आवश्यक नहीं कि इनको कोई रिवार्ड अवार्ड नहीं मिलेगा ना करते क्योंकि चलता और कोई फर्क नहीं पड़ता लेकिन इससे थोड़ा उत्साह बच्चों में पढ़ा थोड़ा उत्साह जो स्कूल कॉलेज के लोगों में पढ़ा बच्चों में पढ़ा स्थानीय स्कूल के लोगों से अध्यापकों से जो संस्थान का जुड़ाव हुआ वो ज़्यादा महत्वपूर्ण है बनिस्बत इसके कि रिसर्च करते रहें और समाज से थोड़ा कटे पड़ते रहे पब्लिश करते रहे फॉरेन जर्नल्स में क्योंकि संस्थाओं का जो दायित्व है वो समाज में थोड़ा सुधार लाना ही और जब तक हम उसे जुड़ने का प्रयास नहीं करेंगे गुरुकुल का जमाना नहीं है जब गुरु के घर में विद्यार्थी रहते थे उसके परिवार के लोगों की सेवा करते थे इसमें समाज का सहयोग है इस तरह की संस्थाओं में बड़े उच्च शिक्षण संस्थाओं में राजनीति के लोगों का सहयोग है आर्थिक जगत के लोगों का सहयोग है स्थानीय लोगों का सहयोग है विद्यार्थियों का अभिभावकों का कर्मचारी का सहयोग तो नहीं तो उनसे जुड़ने के लिए इस तरह के दिवस का आयोजन अगर आवश्यक है ताकि हम आस पास की जो समाज है आस पास की कम्युनिटी है उससे जुड़ सकें उनके लिए कुछ करने की सोच सकें और उनके सुझावों के आधार पर अपना जो पाठ्यक्रम है अपना जो पढ़ाने का तरीका है उसमें सुधार कर सकें ये एक महत्वपूर्ण कार्य है इस अवसर पर सोचने का अवसर साधुवाद देना चाहूंगा शुरू किया गया Our Dean of Student Affairs, Dr. Saurabh Mishra, to deliver the word of thanks. This is Professor Upadhyay, Honorable Director of Personal Education, Dignitaries present, faculty colleagues, members of the staff, students, and all the participants and media present. It is my privilege to have been asked to close the vote of thanks on this inaugural session of the Institute Day and Urjotsav. I express a deep sense of gratitude to our GPS
Professor S. Upadhyay ji for kindly agreeing to place the occasion as the chief guest and giving the visionary insight and words of appreciation. Sir, your presence and guidance has been energizing and motivating for RGIPT members. I also take this opportunity on behalf of RGIPT fraternity to extend a very hearty welcome to all the participating schools and institutions for going to be part of science and technology events being organized over the next 2 days. I wish you all a very happy and learning stay here. I further extend our acknowledgement to the sponsors, Petronet Energy, Air, Oil, Hindustan Petroleum, Bharat Petroleum, HNEL for providing encouragement and support for these events. I would amiss in my duties if I do not mention the round-the-clock guidance from our honorable director, Dr. S. Sinha, who has always been supportive for the student activities and nurturing their talents in every possible manner. I once again welcome all of you to this event. Thank you. Thank you, sir. I now request you all to please rise to the national followed by the fourth presentation and a calculation of 1 minute. I request you all to join us.